हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत का चैप्टर 7 तृतीय विभक्ति यानी जो कि करण कारक होता है। विभक्ति आपको पता है कि 7 प्रकार की होती है संस्कृत में, और यहाँ पे हमारे पास तृतीय विभक्ति करण कारक। आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से कोई भी कार्य करने के लिए जिस की सहायता ली जाती है वहाँ करण कारक लगता है। कैसे, देखिए यहाँ आपको चैप्टर अंगानी यानी अंगों से, आपके शरीर के अंगों से पाठ को समझाया गया है। अहम नासिकायाम जिग्रामी, मैं नाक से सूंघता हूँ। अहम मुखेन वदामी खादामी च, मैं मुख से खाता और बोलता हूँ। अब से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। अहम नेत्राभ्याम पश्यामी, मैं नेत्रों से देखता हूँ। अहम कर्णाभ्याम शृणोमी, मैं कान से सुनता हूँ। शृणोमी मतलब सुनना, मैं कान से सुनता हूँ। अहम हस्तेन लिखामी स्पर्शामी च, मैं हाथ से लिखामी लिखता हूँ और स्पर्शामी छूता हूँ, किसी चीज़ को स्पर्श करता हूँ। अहम चरणाभ्याम चलामी, मैं पैरों से चलता हूँ। देखिए आप हर चीज़ पे हर लाइन में से यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अहम एते अंगे विविधानि कार्याणि करोमी, मैं इन अंगों से अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ। तो देखिए आपको इस चैप्टर में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से बताया गया है, जिन कारकों की हमें सहायता लेनी होती है उन कारकों का प्रयोग करके, उनकी सहायता करके हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया है। तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे।